डीएमओ है उनसे बात किया, उसका निराकरण अभी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की गोवर्धन न्याय योजना को लेकर काफी सियासी बवाल मचा है, लेकिन अब इस योजना के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे। दरअसल अंबिकापुर में महिलाओं ने गोबर से लकड़ी और ईंटें बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए नगर निगम ने 60,000 रुपए की मशीन मुहैया कराई। कम लागत से बनने वाली गोबर की लकड़ियों और ईंटों की डिमांड भी बढ़ गई है। इसका उपयोग न सिर्फ अलाव जलाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि जेल में खाना बनाने के लिए भी गोबर की लकड़ियों का उपयोग हो सकता है। इसी को देखते हुए जेल प्रबंधन ने नगर निगम को ऑर्डर भी दे दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए गोवर्धन न्याय योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकती है। मतलब हर चीज में अभी काम आ जाएगा। और जो गोबर जो लेते हैं, खरीदते हैं 2 रुपया, वो इकट्ठा करते हैं, फिर जूना नया होता है ना, तो पुराना वाला जो गोबर इकट्ठा करके उसमें जो लकड़ी का मुरादा नहीं आता है उसमें फेंटते हैं, जैसे मिट्टी का मिलाते हैं टाइप का, और फिर ला के मशीन में डालते हैं, फिर लकड़ी बनता है। तो उस समूह को सस्टेनेबल बनाने के लिए, और क्योंकि जो है गोबर 2 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं और उसको हम 6 रुपए के हिसाब से पर केजी के हिसाब से यदि हम बेच रहे हैं तो लगभग 2 रुपए के आसपास का कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली उसको SHG को मिल रही है। तो एक प्रकार से आत्मनिर्भर वाहन के रूप में भी निर्मित धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो ये धीरे होते जा रहे हैं तो यह प्रोजेक्ट मिलता है इसी को फोकस करते हुए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के किसान खेती की उन्नत तकनीक अपनाकर विकास की ओर अग्रसर।